YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर जो कि आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। तो इस कंपनी के सारे जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी है। बोनस शेयर के द्वारा कंपनी जो अपने शेयर होल्डर के शेयर को काफी मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, आपके पास भी ये शेयर है, तो काफी बेहतरीन न्यूज है आपके लिए, काफी ज्यादा बेनिफिट्स होगा आपको इससे। अब जो शेयर बोनस शेयर देने जा रही है वो शेयर है एट शॉप ई रिटेल लिमिटेड। मात्र 283 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। और बात करें कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, तो ये तो काफी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग 63%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.26 है। टोटल डेट 7.37 करोड़ का, जबकि रिजर्व जो है 17 करोड़ का। देखिए सब पैरामीटर्स पे तो काफी बेहतरीन है, लेकिन जो माइक्रो कैप कंपनी होती है, जो छोटे कंपनियां होती है, ये काफी रिस्की होती है, क्योंकि इसके बिजनेस भी न्यू होते हैं और कंपनी जो है अपने बिजनेस में काफी वेल एस्टेब्लिश नहीं होती है। या कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसका नीच, जो कंपनियां जिस सेक्टर में बिजनेस करती है वो सेक्टर ही छोटा होता है, लेकिन ये कंपनियां जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर छोटा नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में जाते हैं, एग्रीकल्चर एनिमल फीड से रिलेटेड सप्लीमेंट बनाती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है, पर्सनल केयर से रिलेटेड बनाती है, होम केयर से रिलेटेड बनाती है। तो इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट है इस कंपनी के बास्केट में, मतलब प्रोडक्ट रेंज काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ देखिए खादी से रिलेटेड क्लॉथ्स बनाती कंपनी, होम केयर का प्रोडक्ट बनाती है, आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, फूड सप्लीमेंट किचन से रिलेटेड कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बेहतरीन है। कंपनी का मुख्य जो फोकस है वो है आत्मनिर्भर भारत को बनाना, मतलब जो हमारे गांधी जी के विचार थे उससे रिलेटेड ये कंपनियां काफी इंस्पायर्ड है और कंपनियां जो है अपने गांधी जी के स्लोगन को काफी ज्यादा यहाँ पर महत्व दे रही कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करें। तो कंपनी जो है अपने बिजनेस को काफी अच्छे से कर रही है, लेकिन कंपनी अभी बिजनेस में छोटे लेवल पे, और अगर अपने बिजनेस को हायर लेवल पे ले जाती है, काफी ब्रॉडर लेवल पे ले जाती है, तो काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा इसके इन्वेस्टर को। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ है। 2016 में यहाँ पर जो सेल्स था मात्र 2 करोड़ का था, जहां से बढ़कर के ये 2021 में हो चुका है 78 करोड़ का। वही बात करें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मतलब जो बॉटम लाइन ग्रोथ है, यहाँ पर 0 था 2018 तक और 2020 में ये 1 करोड़ हुआ और 2021 में डायरेक्ट 8 करोड़ हो चुका है। बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल कंपनी के पास मात्र 11 करोड़ का है, जबकि यहाँ पर जो डेट है कंपनी का वो 7 करोड़ का है। तो डेट लगातार बढ़ा है, साथ साथ रिजर्व भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है। अब बात करें कैश फ्लो का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्या कंपनी अपने बिजनेस से कैश फ्लो जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो निगेटिव रहा है, जबकि 2021 में 1 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो जनरेट हुआ है, जबकि नेट कैश फ्लो हमेशा 0 रहा है। कंपनी अब कैश फ्लो जो है जनरेट करने में अभी सफल नहीं हुई है। वही बात करें प्रमोटर्स का, और यहाँ प्रमोटर्स का जो स्टेक है पिछले 2 सालों से लगातार कांस्टेंट है, और साथ साथ जो इसमें पब्लिक का स्टेक है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रमोटर्स और पब्लिक दो ही इसमें शेयर होल्डर्स हैं, तो दो में से कोई एक चेंज नहीं होता है, तो दूसरा भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट का। तो देखिए यहाँ चार्ट पर स्टॉक्स काफी ज्यादा रैली कर चुका है बोनस शेयर की न्यूज के कारण। यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस हुआ करता था 170 रुपीज से भी नीचे हुआ करता था, जो कि 250 रुपीज यहाँ पर पहुंच चुका है। तो 80 रुपीज का यहाँ पर जबरदस्त रैली, मतलब 50% के अप्रोक्स रैली है बोनस शेयर के न्यूज के कारण। तो जो भी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बोनस शेयर का जब न्यूज आता है तो उसमें काफी जबरदस्त रैली देखने मिलता है। वही बात करें कंपनी के स्टॉक के प्राइस का, तो जो 2020 का गिरावट था उसमें स्टॉक का प्राइस काफी नीचे हुआ करता था। अभी हम मार्च 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था मात्र 18 रुपीज हुआ करता था, 18 रुपीज 20 रुपीज से ये स्टॉक्स काफी जबरदस्त रैली किया है और ये 250 पहुंच चुका है, तो काफी जबरदस्त ये रिटर्न है। ऐसे बेहतरीन रिटर्न के लिए आपको ऐसे ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। वही बात करें अभी आपको बाय करना चाहिए या नहीं, अभी आपको इसे बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक्स रैली कर चुका है उस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ खास नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर कंपनियों में लगता है बिजनेस में आगे भी काफी अच्छा ग्रोथ है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें वेट कर सकते हैं किसी करेक्शन पे, जब इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो स्टॉक को नीचे आने देना है, नीचे के प्राइस पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो अभी आपको इस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिन इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक्स है उन्हें निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और जिन्हें भी लगता है कि इसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल गया तो वो अपना 50% यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 50% प्रॉफिट को लॉक करने के बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कभी भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिले, मतलब ट्रेंड आपको दिखेगा डाउनवर्ड हो सकता है, तो वहां पर आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अदर बिजनेस में काफी ग्रोथ दिखता है, कंपनी बिजनेस तो काफी अच्छा कर रही है, कंपनी का स्लोगन भी काफी अच्छा है, लेकिन कंपनी अगर बिजनेस को अपने हायर लेवल पर ब्रॉडर लेवल पर ले जाती है तो काफी बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।